हेलो इलेवेंथ क्लास, कैसे हो बेटा? वेलकम टू एल्यू टीच। एंड लास्ट हमने जो अपना सेकंड चैप्टर थी उसकी वीडियो के अंदर हमने जो है किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस किया था, ठीक है? तो आज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं एग्जांपल्स के साथ तुम्हारी प्रेजेंटेशन ले आऊँगी तुम्हारे लिए, ठीक है? तो वही मैं तुम्हें आज दिखाने वाली हूँ, ठीक है? इन सब के जो डायग्राम्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो आई थिंक आप ज़्यादा टाइम के लिए इन चीज़ों से फैमिलियर रह पाओगे, ठीक है? इनको रिमेम्बर रखने, इनको मेमोराइज करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है? तो दिस इज किंगडम प्रोटिस्टा जो हम कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन फर्दर आज दोबारा कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज एफ, यहाँ पे ये जो गलती से हो गया बेटा ये डी है, ठीक है? किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर हमने देखा था कि हमारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि ये क्या है, यूकेरियोट्स हैं। हमने देखा था कि कैसे हैं, ये यूकेरियोट्स हैं, ठीक है? एंड जस्ट अ मिनट, ठीक है? तो क्या क्या इससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिलेगी देखने में, यूनिसेल्यूलर हैं, उसके बाद हमने देखा क्या है, ये यूकेरियोट्स हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था दीज आर ऑल एक्वाटिक, ठीक है, कि ये सभी एक्वाटिक हैं। उसके बाद क्या देखा था कि हमें, हमने एक जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखी थी वो क्या देखी थी बेटा, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला और सीलिया, सीलिया एंड फ्लैजेला की प्रेजेंस देखी थी, ठीक है? इसके अलावा हमने देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स पढ़े थे, पैरामीशियम हमने देखा था, ठीक है? देखा था ना पैरामीशियम के बारे में, ठीक है? उसके बाद हमने अमीबा के बारे में देखा था, अमीबॉइड जो प्रोटोजोन है, ठीक है? उसके बाद हमने यूग्लेना के बारे में देखा था, यूग्लेनॉइड्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद हमने जो है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में ट्राइपेनोसोमा देखा था, पढ़ा था, जिसके बारे में जो हमने क्या बोला था कि क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, दिस ट्राइपेनोसोमा इज कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है? ये हमने देखा था, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमने क्या देखा था कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है उसको हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। वो क्या क्या थी हमारी, क्राइसोफाइट्स थी, ठीक है? उसके बाद डाइनोफ्लैजेलेट थे, उसके बाद यूग्लेनॉइड्स थे, ठीक है, सॉरी, उसके बाद क्या थे हमारे, स्लाइम मोल्ड्स थे, एंड लास्ट में क्या था हमारा, प्रोटोजोन्स थे। ये सब हमने क्या देखे थे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है? तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्राइसोफाइट्स, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, पहले ही हमने दो एग्जांपल्स इसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़े थे, दैट इज डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी के बारे में हमने देखा था। देखा था ना, गोल्डन एल्गी का मैंने दूसरा नाम भी बताया था, क्या था वो दूसरा नाम कमेंट करके बताना, ठीक है? उसके बाद हमने बोला था कि ये फ्रेश वाटर मैराइन वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है? उसके बाद ये फ्लोट करते रहते हैं पानी के ऊपर, इसीलिए इनको प्लैंकेटन बोलते हैं, ठीक है? देन इनकी जो वॉल है, सरफेस है, वो सिलिका से बनी हुई है, ठीक है? ये डाई एटम्स क्या करते हैं, मिलियंस बिलियंस ईयर्स में क्या फॉर्म कर लेते हैं, अंडर ओशन डाई एटमीशियस अर्थ, जैसे देख पा रहे हो ना यहाँ पे तुम, दिस इज ऑल, ठीक है? तो क्या बताया था कि ये जो सॉयल है वो किसमें हेल्प करेगी, तुम्हारी पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ठीक है? देन रिफाइनिंग ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में, मेडिसिन में, टूथपेस्ट में, ये सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। तो देख रहे हो फिगर तुम, गोल्डन एल्गी आपकी ऐसी दिखती है, ठीक है? दिख रहा है ना गोल्डन गोल्डन कलर, ठीक है? ये मैंने नहीं कर रखा, ये ऐसी ही दिखती है, ठीक है? यहाँ पे ये डायएटमीशियस अर्थ तुम्हें जो शेल्स जो हैं डायएटम के वो तुम्हें देखने को मिल रही हैं। समझ में आया, याद रहा, थोड़ा ज्यादा याद रहेगा हम। उसके बाद हमने देखे थे डायनोफ्लैजेलेट, हमने देखा था कि ये सिर्फ कैसे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, ये सिर्फ क्या है, मेराइन है। डायनोफ्लैजेलेट क्या थे, मेराइन थे, ठीक है? दूसरा फीचर हमने क्या देखा था कि इनके पास क्या है, दो फ्लैजेला है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है? दिस इज दी डायग्राम ऑफ गोनी एलेक्स, जो हमने एग्जाम्पल देखा था डायनोफ्लैजेलेट का, ठीक है? ये एक इसकी जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, ठीक है? दिस इज दी, दीज आर दी फ्लैजेलास, ठीक है? एंड ये हमारी जो है स्लाइड की फोटो है, ठीक है? क्या क्या देखा था इसके अंदर हमने, ठीक है? डायनोफ्लैजेलेट जो है ये, इसमें जो ये गोनी एलेक्स है ये क्या कर लेता है, रेड टाइड बना लेता है, देखा था ना, रेड टाइड बना लेता है और दूसरे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, ठीक है? इसकी सेल वॉल कैसी देखी थी हमने कि सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है? याद आ रहा है सारी चीजें, ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा था, यूग्लेना एग्जाम्पल देखा था ऑफ यूग्लेनॉइड्स, ठीक है? इसमें हमने क्या देखा था कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, ये कैसे है, पहली बात तो ये कि फ्रेश है, ये फ्रेश ऑर्गेन फ्रेश वाटर में और स्टैग्नेंट वाटर में रहने वाले हैं, ठीक है? इनकी बॉडी जो है, बॉडी की जो सरफेस है वो किससे मिलके बनी हुई है, पेलिकल से। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो पेलिकल, ठीक है? पेलिकल से मिलके बनी हुई है इनकी जो सेल वॉल है, इसीलिए क्या है,
कि ये सलबोल नहीं, हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोटीनिशियस लेयर है ये, इसके चारों तरफ क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, एक प्रोटीन की लेयर बनी हुई है जिसको हमने क्या बोला है, पेलिकल बोला है, ठीक है। उसके बाद देखो इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब क्या है, खाना खुद बना लेंगे, ठीक है। फिर इनके पास क्या प्रेजेंट है, एक फ्लैजेलम प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया। न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल का नाम देखा था, दैट इज यूग्लिना, ठीक है, ये इसकी जो डायग्रामेटिक डायग्राम है और ये इसकी स्लाइड वाली डायग्राम है, ठीक है, ये रियल पिक्चर है यूग्लिना की। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या था हमारा कैटेगरी, दैट इज ऑफ स्लाइम माउल्स, ठीक है, हमने क्या देखे थे नेक्स्ट कैटेगरी में, हमने देखे थे स्लाइम माउल्स देखे थे, ठीक है। स्लाइम माउल्स के अंदर कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था, प्लाज्मोडियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्लाज्मोडियम पढ़ा था, ठीक है, प्लाज्मोडियम पढ़ा था हमने। ओके, हाँ जी। उसके बाद आते हैं हमारे प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स को हमने क्या किया था, फर्दर चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, कितनी कैटेगरी में कर दिया था डिवाइड, प्रोटोजोन्स को चार कैटेगरी में कर दिया था। वो कौन कौन सी थी चार कैटेगरी हमारी, सबसे पहले अमीबॉयड, यहाँ देखो अमीबॉयड, अमीबा शेप के, ठीक है, जिनके पास ये फोल्स पैर हैं, फोल्स पोडिया हैं, ठीक है, सूडोपोडिया हैं, ठीक है। उसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, जिनके पास क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके पास क्या है, लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे क्या थे, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनके पास क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, देख रहे हो ना। उसके बाद क्या थे, स्पोरोजोन्स थे, ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल फॉर्म्स थी, जो कि नॉन मोटाइल फॉर्म्स थी, ठीक है। लेट्स सी, इनको अलग अलग से देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, और ये क्या है इसके पास, ये क्या है इसके, सूडोपोडिया है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो ना, अच्छे से डायग्रामेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है तुम्हें, दिस इज द फूड वैक्यूल, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है इसके, ये सूडोपोडियम है, ये जो बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में हमने क्या क्या देखा था, कि ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल के अंदर रह सकते हैं, ये अपना जो क्या कहते हैं खाना है वो कैसे लेते हैं, सूडोपोडिया को आगे बढ़ा के और अंदर जो है ग्रास्प कर लेते हैं, ठीक है। एंटा अमीबा इसका हमने एग्जाम्पल देखा था, दिस इज द इमेज ऑफ एंटा अमीबा, देख पा रहे हो, जस्ट अ मिनट, लेट मी मार्क इट विद डिफरेंट कलर, तो दिस इज योर एंटा अमीबा, देख रहे हो ना अंदर ये गोल सा स्ट्रक्चर, दिस इज एंटा अमीबा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या प्रेजेंट होगा इनके पास, क्या प्रेजेंट होगा इनके पास, फ्लैजेला, देख रहे हो फ्लैजेला, ये रहा फ्लैजेला, ठीक है, ये रहा फ्लैजेला, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाया था ना तुम्हें डायग्राम इसका, ट्राइपनोसोमा का क्या कॉज करता है, बार बार बता रही हूँ, दिस इज फ्लैजेला, ठीक है, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपनोसोमा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, पैरासिटिक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, देख पा रहे हो कितने सारे सीलिया प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास तुम्हारे लिए ना एक्चुअल इमेजेस भी डालिए ताकि तुम ज्यादा अच्छे से याद रख पाओ, ठीक है। दिख रहे हैं ना ये रे छोटे छोटे सरफेस पे कितने सारे सीलिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीशियम जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उस पैरामीशियम, एक मिनट, ये वो भी रेड था, मैंने रेडी मार्कर ले रखा, सॉरी, ठीक है। तो क्या था, क्या देखा था हमने, पैरामीशियम एग्जाम्पल देखा था, पैरामीशियम एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, सीलिएटेड में एक्वाटिक है, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट है पूरी बॉडी पे, ये पड़े सारी बॉडी पे सीलिया ही सीलिया हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास भी क्या है, पेलिकल की वॉल है, प्रोटीनिशियस, ठीक है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है, गटलेट प्रेजेंट है, ठीक है, देखे थे पैरामीशियम एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजोन्स पढ़े थे, स्पोरोजोन्स, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोन, दैट इज अ नॉन मोटाइल फॉर्म। अभी तक हमने जितने भी देखे प्रोटोजोन सारे क्या थे, मोटाइल थे, ठीक है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, दैट इज ऑफ प्लाज्मोडियम, मैंने बोला भी था कि प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम हेयर ऑल्सो, ठीक है, दिस इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो कैसे करता है, देखो एक बार थोड़ा सा तुम्हें मैं आइडिया दे देती हूँ कि क्या होता है, बेसिकली दिस इज
जो ये तो तुमने तुम्हें सर्कल में दिख रहा है ना, ये फीमेल एनोफिलीज है, ठीक है, मादा मच्छर, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। इसकी ये क्या है, यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो, दिस इज दी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो जब क्या हुआ, जो ये मॉस्किटो है, इसने क्या किया, इस मॉस्किटो ने फीड कर लिया, किसके ऊपर फीड कर लिया, प्लाज्मोडियम के ऊपर फीड कर लिया। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ चला गया, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में चला गया, ठीक है। वहां जाके इसने रिप्रोड्यूस किया, तो और स्पोरोजोइट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल अलग अलग सिस्ट बने थे, उन्होंने क्या किया, फ्यूजन कर लिया और क्या बना लिया, जायगोट बना लिया, ठीक है। और जो जायगोट है वो स्टमक की वॉल के साथ अटैच हो गया। जब इस मॉस्किटो ने, जब ये जो गैमेटोसाइट्स वाला जो मॉस्किटो है, इसने क्या कर लिया, किसी ह्यूमन बीइंग को काटा, यहाँ इसने जाके काट लिया, तो इसने क्या किया, ये जो स्पोरोजोइट्स थे, ठीक है, उसको किसमें छोड़ दिया, ह्यूमन बीइंग के अंदर छोड़ दिया। और ये जो स्पोरोजोइट्स है वो सीधे कहाँ चले गए, देख पा रहे हो ना, लीवर के अंदर चले गए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लीवर के अंदर जाके अपनी सेल साइकिल पूरी की, ठीक है। सेल साइकिल पूरी करने के बाद क्या किया, बहुत सारा नंबर वे बढ़ा लिए, तो जिससे क्या हुआ कि हमारी जो सेल्स हैं वो क्या हो गई, टूटनी शुरू हो गई, और उनसे क्या हुआ, टॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या है, वो जो टॉक्सिन है वो क्या कॉज कर रहा है, फीवर कॉज कर रहा है इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, तुम्हारा चैप्टर नंबर जो 8 आएगा ना, हेल्थ एंड डिजीज वाला, उसमें हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। तो दिस इज लास्ट, ठीक है, जो हमने स्पोरोसोम्स देखे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तुम्हें शायद एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से अब याद रहेगा, एक बार थोरोली हमने जल्दी से इनको रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ना, ठीक है, या नहीं लग रहा है, तो प्लीज उसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।